Okay, so we are live now. Welcome to This Is Learning. Okay, good evening everyone. Good evening. Am I audible and visible properly? Ek bar confirm kar do. Am I audible and visible properly? Then we'll start. Ek bar confirm kar do. Good evening everyone. Okay, good evening, good evening. ओके सो यू विल स्टार्ट इन ए मिनट. सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बहुत सारा काम था. ठीक है, जस्ट ए मिनट, यू विल स्टार्ट नाउ. ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्रिस्टल, गुड इवनिंग अमर ज्योति, गुड इवनिंग दीपा, केशव, स्टोर ऑफ नॉलेज, गुड इवनिंग एवरीवन. जितने लोग भी आप लाइव देख रहे हो, सब लोग एक बार लाइक कर दो. ठीक है, सब लोग लाइक कर दो पहले. मतलब जितना लोग लाइव देख रहे हो उतना लाइक भी कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, एक एंथुसियाज्म मिलेगा, बिकॉज दिस इज फ्री. ओके, दिस इज दिस गाइडेंस जो मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, जो वैल्यू दे रहा हूँ, दिस इज कम्प्लीटली फ्री. एंड लाइक बटन भी जो वहाँ पे है, सब्सक्राइब बटन भी जो वहाँ पे है, वो भी कम्प्लीटली फ्री है. डेफिनेटली जो है आप एक बार लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किया एक बार कर दो. ठीक है, ओके एक बार सब लोग लाइक, अगर सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया तो कर दो. तो उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जो लोग नहीं किए लाइक सब लोग कर दोगे, मेरा ये उम्मीद है आप लोगों से. दिस गाइडेंस इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो लेट स्टार्ट नाउ. यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. देखो कुछ कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सब चीजें ना पूछे. लाइक मैं ऑलरेडी आपको कट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा. ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में मत पूछो. जैसे आप लोग पूछ रहे हो सिद्धार्थ सिंह, अभी आप पूछ रहे हो रितिका शर्मा. देखो कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ठीक है, कि कट ऑफ कितना जाएगा. इससे पहले वाला वीडियो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो कट ऑफ वाला लाइव सेशन मैंने किया था. इसके ऊपर एक लाइव सेशन हुआ था ऑलरेडी. ठीक है, लाइव सेशन ऑलरेडी मैंने किया था. That is NCT का लाइव सेशन का फर्स्ट वीडियो होगा. ठीक है, फर्स्ट, इससे पहले जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने कट ऑफ के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है. उसमें मैंने आपको जो है RIE का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको IIT का कट ऑफ भी बताया था, उसके साथ साथ मैंने आपको जो और भी जो कॉलेजेस होंगे उनके भी कट ऑफ मैंने आपको बताया था. तो सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो इसके बारे में कट ऑफ के बारे में मत पूछो, क्योंकि वो फिर कट ऑफ बताएंगे तो बाकी सारा चीज जो है रह जाएगा. फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है, तो किसी ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर से देख लेना आज वाले लाइव सेशन के बाद. वो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने आपके साथ कट ऑफ किस कॉलेज, मतलब किस कॉलेज में कितना जाएगा, तो वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. देखो जैसे RIE क्या होता है, RIE से एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट. देखो जैसे आप लोगों ने RIE का एग्जाम दिया हुआ है, एंड उसमें आपको पता है कि सारे कॉलेजेस के कट ऑफ अलग 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 निकलते हैं. ठीक है, सारे कॉलेजेस, इवन सारे स्टेट के कट ऑफ अलग अलग होते हैं. RIE के एग्जाम जो लोग दिए हैं, RIE लेवल 1 के एग्जाम जितने भी बच्चों ने दिया हुआ है, उनको पता है कि हर एक RIE का कट ऑफ अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है. तो इंडिविजुअल वो थोड़ा अलग है. RIE क्या रीजनल है. ठीक है, रीजनल एंड NCT के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कि RIE और ये जो तुम्हारा NCT है वो कैसे डिफरेंट है. वो भी देख लेना, मैं यहाँ पे वो चीज बता देता हूँ. ठीक है, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. ओके, तो देखो सबका काउंसलिंग देखो अलग अलग होगा. जैसे ये जो तुम्हारा एग्जाम है NCET का एग्जाम, ठीक है, NCET का जो तुम्हारा एग्जाम हुआ है, दिस इज व्हाट इसका जो नाम ही है नेशनल. ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. तो ये तुम्हारा क्या नेशनल लेवल का है. RIE का क्या था, RIE का क्या था, ये तुम्हारा रीजनल था.
तुम्हारा रीजनल था, यहाँ पे स्टेट कोटा था, स्टेट वाइज तुम्हारे यहाँ पे जो है तुम्हारा सीट था, स्टेट वाइज सीट था, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं है, यहाँ पे ये स्टेट कोटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये नेशनल है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज नेशनल एग्जाम, यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी वाइज आपका जो है आपका कोटा होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरा एक सेशन करके बता चुका हूँ कि आपका कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में, जनरल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, एससी के लिए कितना कट ऑफ, एसटी के लिए कितना कट ऑफ, सबके लिए कितना कट ऑफ किस में जाएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये चीज हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो जो भी कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं वो आप चिंता मत करो, ठीक है, कट ऑफ के बारे में जो है आप वो वीडियो देख लेना, चिंता मत करो। अभी देखो कौन कौन से कॉलेजेस के काउंसलिंग एनसीईटी के अंदर आ गए हैं, वो कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं सब एक कॉलेज जितने भी कॉलेजेस का हो सकता है मैं सारे कॉलेजेस का डेमो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर कोई बच्चा वहां पे अप्लाई करता है तो मैं वहां पे डेमो वीडियो बनाऊंगा, डेमो वीडियो क्या है मतलब पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए कौन कौन से कॉलेजेस में ये प्रोग्राम जो तुम्हारे स्टार्ट है, तो वो तुम्हारा ये एक है तुम्हारा एक त्यागवीर हिम बरुआ कॉलेज एक है, दूसरा जो तुम्हारा कॉलेज है वो तुम्हारा क्या है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो दो कॉलेज है, तेगवीर कॉलेज एक है और एक तुम्हारा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इन दो में अभी स्टार्ट हुए हैं, आगे और भी स्टार्ट होंगे, मैं आपको बताऊंगा सब चीज, ठीक है, क्लियर, ओके, आरआई जो भी लेवल टू का बात करें, लेवल टू का हम लोग 7:30 को एक और हम लोग लाइव सेशन करेंगे, ये जो तुम्हारा जो सेशन है दिस इज ओनली फॉर एनसीईटी एग्जाम, ओके, क्रिस्टल इज आस्किंग अबाउट एमपीसी कॉलेज, तो एमपीसी कॉलेज का अभी तक कोई जो है मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, एमपीसी कॉलेज का अभी तक कोई अपडेट आया मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होते ही अपडेट आ जाएगा। सबसे पहला चीज देखो, कुछ कुछ चीजें जो मुझे आपको बताना था कि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था लेकिन वो मैंने फॉर पब्लिक किया था, मतलब सब लोग वहां पे मैसेज कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अननेसेसरी मैसेज किया, मेरे पास ऐसे भी कंप्लेंट्स आए कि सर कोई लड़का मुझे मतलब कोई लड़की को गलत कमेंट कर रहा है, या कोई लड़का जो है या फिर कोई भी मतलब गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प करूंगा या आपको कैरियर काउंसलिंग करूंगा, मतलब आप बच्चे हो, कुछ कुछ बच्चे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं कि क्या आप बच्चे हो कि मैं आपको पहले अभी आपका कि ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं ये सब बताऊंगा, या आपकी कैरियर के लिए मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, तो बाद में वो जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली करना पड़ा, ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको देखो आप अभी 12th के बाद आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो और आप इस तरह का हरकत करोगे तो क्या करूंगा मैं, मतलब आपके लिए मैं हेल्प करूंगा आपकी कैरियर के लिए, या फिर आपको बताऊंगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, किस चीज में मैं टाइम दूं, ऑलरेडी हम भी तो बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं ना, है कि नहीं, ओके जागृति मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के बारे में बता दिया किसका कितना कट ऑफ जाएगा, एक बार आप देख लेना कट ऑफ वाला वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कट ऑफ है तो मेरा जो है उसमें याद नहीं रहेगा, हर एक कट ऑफ आप देख लेना, अलग अलग मैंने बताया था, आरआई का बीएबीएड का कट ऑफ कितना जाएगा, बीएससीबीएड का कितना कट ऑफ जाएगा, आपका जो पीसीएम का कितना, सीबीएड का कितना, आईआईटी का कितना कट ऑफ जाएगा, एनआईटी का कितना कट ऑफ जाएगा, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ जाएगा, बीकॉम बीएड का कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ओके क्लियर। काउंसलिंग कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है, अभी दो जगह पे स्टार्ट हुआ है, एक तेगवीर हेम बरुआ यूनिवर्सिटी करके है और दूसरा तुम्हारा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फिलहाल तक जो है तुम्हारा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा ये फंक्शनलिटी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसका इन सब जो भी कॉलेजेस का आ रहा है, देखो ये जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है नाम से क्या पता चलता है कि इसमें लैंग्वेज यहाँ पे संस्कृत या कोई और भी मतलब मेनली तो संस्कृत के ऊपर होगा, इसके ऊपर मैं और भी देखूंगा कि ये जो तुम्हारा लैंग्वेज के ऊपर प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड है, यहाँ पे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीए बीएड प्रोग्राम है, त्यागवीर यूनिवर्सिटी में बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है, ठीक है क्लियर, तो ये मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा इन दोनों चीज के ऊपर, इन दोनों यूनिवर्सिटी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे कोई कौन कौन सा स्टेट में वो बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी आ रहे हैं एडमिशन, कुछ प्रॉब्लम देखो कुछ प्रॉब्लम
देखो डिपेंड करता है कि मतलब वहां पे कौन सा चीज कौन सा सब्जेक्ट मांग रहा है। देखो एनसीईआरटी ने क्या गलती किया, मतलब क्या हम लोगों के साथ एक धोखा किया, मैं बताता हूँ। पहले सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो एक बार लाइक कर दो यार, सब लोग ठीक है, 96 स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो एक बार लाइक कर दो, सिर्फ 34 लाइक है, तो मुझे भी मतलब मुझे वही दिख रहा है ना, मतलब अभी आप लोग कितना इस काम को रेस्पेक्ट कर रहे हो या कितना आपको पसंद आ रहा है वो आपके लाइक से मुझे पता चलता है। तो सब लोग एक बार लाइक कर दो ठीक है। ओके डीयू के काउंसलिंग कैसे होगी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। मिनिमम फी स्ट्रक्चर कितना है, फी स्ट्रक्चर के बारे में सेपरेट हम लोग सेशन करेंगे ठीक है, क्लियर। तो ओके हाँ, तो एनसीईआरटी ने क्या हमारे साथ धोखा किया कि सबसे पहले जब तुम्हारा एनसीईआरटी का फॉर्म आया, एनसीईआरटी का वेबसाइट, जब मतलब एनसीईआरटी ने बहुत ही सडन सब चीज किया ठीक है। मतलब एक तो पहला चीज कि जब इन्होंने पहला नोटिफिकेशन दिया, पहला नोटिफिकेशन के बाद जो है नेक्स्ट जो चीज में बहुत देरी बहुत लेट किया, और जब भी इन्होंने चीजें लाए बहुत सडन लाए, जो वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारा चीज जो है अभी भी आधा अधूरा है, इन्होंने जब यहाँ पे जब मतलब इन्होंने ये किया था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया था वहां पे बोला गया था कि एनी थ्री सब्जेक्ट्स ये तुम्हारा किसमें बोला गया, मतलब एनसीईआरटी के ऑफिसर उसने बोला गया कि यू कैन टेक एनी थ्री सब्जेक्ट ठीक है। तो उस हिसाब से हमने भी आपको ये चीज बोला जो एनी थ्री सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, मैंने फिर आपको और भी आगे और भी वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बोला कि आपका 12th में जो सब्जेक्ट था वो आप ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा एज पर द एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन आप अपना 12th सब्जेक्ट ले लो, ऐसा मैंने आपको बताया था। और जब हमने कोचिंग भी किया था तब भी हमने तीन ग्रुप बनाया था, एक पीसीएम का था, एक पीसीबी का था और एक आर्ट्स का ग्रुप था, हमने तीन ग्रुप बनाया था। इसमें आपको ये हम बता रहे थे कि आपको इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि चेंज करने का एडिट करने का ऑप्शन भी एनसीईआरटी ने दिया था 26 एंड 27 को। तो मैं उस टाइम में आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट जो है इस हिसाब से रख लेने चाहिए, ताकि आपको फायदा क्या होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होगा तो आपको प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलेगा। अगर सब्जेक्ट कमीशन कहीं गलत है तो ऐसा नहीं कि आपको सीट नहीं मिलेगा कहीं पे, मिलेगा। लेकिन जो टॉप कॉलेजेस है ना, जैसे IIT फॉर एग्जांपल, IIT को सिर्फ PCM वालों को ही लेगा, PCB का थोड़ा चांस कम है, आर्ट्स वालों को तो लेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहां पे सिर्फ BSc BEd है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं, तो मैंने वो चीज आपको बताया था ठीक है। रितिका शर्मा पूछा जनरल टेस्ट में 0 नंबर आया है एडमिशन होगा कि नहीं। देखो डिपेंड करता है ये कॉलेज किस चीज के ऊपर आधार करते, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, ये जो NCT का एग्जाम है ये फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो नहीं पता ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो है तुम्हारा कट ऑफ होगा या नहीं होगा, ऐसा एनसीईआरटी के कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे जो माइनस भी लाए हैं जनरल टेस्ट में, कोई 0 लाया, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपका मतलब कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ कॉलेजेस में आपका नंबर देख ले कि इस एक सब्जेक्ट में 0 है तो नहीं दिया जाएगा, कुछ कुछ कॉलेजेस में दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या सीनरी होने वाला है, इसीलिए ये जो हमारा जो मतलब डिस्कशन प्रोसेस है ये थोड़ा लेंदी होगा। कॉलेजेस में जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे वैसे मैं आपको गाइड करता रहूंगा, और हर एक स्टेज में जहां जहां आपका दिक्कत होता है आप इन्हीं लाइव सेशन के थ्रू मुझे पूछना। देखो मैं पहला एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि अभी मतलब और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं मेरे, मतलब मुझे भी बहुत कुछ भी और एग्जाम के लिए मुझे भी तैयारी करना पड़ता है, मुझे भी कोचिंग के लिए आपको पढ़ाना पड़ता है, और भी काम है जिस चीज की वजह से मैं पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाता हूं ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप का रिप्लाई हर एक का नहीं कर पाता हूं, इसीलिए हमने बनाया है ग्रुप ठीक है। इसीलिए हमने क्या बनाया, ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम में भी ग्रुप है और व्हाट्सएप में। टेलीग्राम में ग्रुप मैंने अभी बना दिया है, आज बना दिया, व्हाट्सएप में ऑलरेडी ग्रुप है। तो आपको जो भी मर्जी है, जिस हिसाब से आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों जगह पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ठीक है। दोनों जगह आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। मैं जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉलेज, जैसे अभी दो कॉलेज का मैंने बताया, एक त्यागवीर कॉलेज है और एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इन दोनों जगहों में उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट है। मैं इन दोनों कॉलेज के ऊपर मैं डेमो वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको कि देखो यहाँ पे ये चीज लग रहा है एंड आपको ये सब चीज जो है आपको रेडी रखना पड़ेगा ठीक है। दोनों कॉलेज इसके बाद अभी देखो दो कॉलेज फॉर एग्जाम्पल है और 40 बाकी है ठीक है। देखो तो अभी क्या दो कॉलेज में काउंसलिंग स्टार्ट है तो और 40 कॉलेजेस बाकी है, तो इन 40 कॉलेजेस के लिए भी
मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना के बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। मतलब आपको मुझे कॉल करके ये नहीं पूछना है कि सर इस कॉलेज के बारे में बता दो, कि सर इस कॉलेज के बारे में बता दो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि सर इस कॉलेज में, जैसे अभी कुछ बच्चों ने देखो ये मुझे रिसर्च करना नहीं पड़ा, बच्चों ने मुझे बता दिया कि ऐसा सा बात है सर, तो मेरा काम आसान हो जाता है इस चीज में। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि सर दिस कॉलेज हैज स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस एंड उसका पीडीएफ अगर आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन बोले तो वो मुझे भेज सकते हो, मैं आप वो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर मैं खुद से सर्च करके बना दूंगा। बेहतर ये होगा क्योंकि एक आदमी इतना से देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप सब इतने सारे स्टूडेंट्स हो, तो एक हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड में ये सब चीज को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि काउंसलिंग प्रोसेस किसी कॉलेज का स्टार्ट हुआ है, आप डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करना, व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर देना, वो इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा एंड आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मुझे कॉल नहीं करना है कि सर इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दो उसके, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ऑल 42 कॉलेज के बारे में बताऊंगा, जो भी टोटल तुम्हारा 42 कॉलेज है, मैं सारे कॉलेज के बारे में आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा, उसके लिए पूछने का बात नहीं है। ठीक है, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तभी जो मुझे आप इन्फॉर्म कर दो या सेंड कर दो, वो जो नोटिस है या जो लिंक है या जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिलता है, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मुझे सर मेरा इतना मार्क्स है कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी मैंने एक गूगल फॉर्म और मैंने एक ग्रुप भी बना दिया, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो एंड कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो कट ऑफ के बारे में पूछने का कोई जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में पूछते हो सर मेरा इतना मार्क्स है कि सर इस कॉलेज में होगा या नहीं होगा, तो अभी कोई उस मतलब जो रेंज मैंने बताया अगर उस रेंज में आपका है तो हो सकता है, लेकिन कॉलेज का कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो तभी हम बता पाएंगे जब कॉलेज का कट ऑफ रिलीज होगा। ठीक है, अभी मैं ओवरऑल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, जो ओवरऑल हमने सर्वे किया था उस सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो चुका है कुछ कुछ कॉलेज, जैसे मैं दो कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है, त्यागवीर हेमबुरुआ कॉलेज, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप अभी भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो या फिर मेरे वीडियो का वेट कर सकते हो, मैं देख के बता दूंगा। अब देखो अशोक पूछ रहे हैं मिनिमम फी स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम फी स्ट्रक्चर मान के चल सकते हो 30,000 हो सकता है मिनिमम। ठीक है, एक साल का फी मिनिमम 30,000 हो सकता है कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम 1,00,000 1.5 लाख भी हो सकता है, IIT में थोड़ा ज्यादा फी लगेगा आपके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम फी लगेगा। 50,000 इज ए एवरेज फीस। ठीक है, 50,000 पर ईयर इज एन एवरेज फीस फॉर एनी कॉलेज। ठीक है, मिनिमम फीस स्ट्रक्चर अशोक पूछ रहे बार बार, तो मैं बता देता हूँ 50,000 इज द मीन्स एवरेज फी है कोई भी कॉलेज का। IIT NIT में थोड़ा ज्यादा फी लगता है क्योंकि IIT NIT में ट्यूशन चार्ज लिया जाता है, ट्यूशन फीस करके लिया जाता है, जो लाइक 50,000-30,000 वो एक रहता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, फी स्ट्रक्चर जैसे रिलीज होता है बता देंगे। ठीक है, RI का अगर फी पूछोगे, मैं RI के ऊपर ही काम करता था अभी तक, अब NCT भी आ गया तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो RI का मुझे पता है कि 50,000 पर ईयर लगता है RI में पढ़ने के लिए और 50,000 अप्रॉक्स लगता है, तो बाकी कॉलेजेस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 50 या उससे थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा लग सकता है, तो मैं एवरेज 50 बोल रहा हूँ, लेकिन अगर IIT का बात करो तो यहाँ पे फी थोड़ा ज्यादा लगेगा IIT NIT में, ये 50 की जगह 70 या 1,00,000 भी हो सकते हैं, लेकिन SC ST का कम लगता है। रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं वहां पे बता दूंगा हर एक कॉलेजेस का। ठीक है, ओके, जैसे विपुल पूछ रहे रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा, तो मैं अलग अलग कॉलेज का सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन का फी स्ट्रक्चर कितना है वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं डेमो वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला चीज ये करना है कि जब अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप लाइक करोगे वीडियोस को तो मुझे वो चीज करने में, वीडियो बनाने में मतलब थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, मेरा काम बच्चे पसंद कर रहे हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे उस चीज को पसंद करें, तो सब लोग एक बार फिर से लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया। ठीक है, ओके, MPC में इंटीग्रेटेड BEd का एक लिंक आया है, वो मैंने भेजा हुआ है, किसी बच्चे ने भेजा था, लेकिन वो CAF मतलब मुझे तुम्हारा उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से जो हुआ था वो वाला लिंक है, और ITP का लिंक नहीं आया, ITP का लिंक आते ही मैं आपको बता दूंगा, मैं सारे कॉलेज का डेमो वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन अगर आप अपने तरफ से भी फिलअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू, लेकिन जो मेरे वीडियो का वेट करना चाहते हैं यू कैन वेट। ठीक है, और लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट होता हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचता है, ऐसा तो नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचेगा, डेफिनेटली इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कॉन्टैक्ट्स, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा जल्दी। लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज में जो है आपका फॉर्म डालना है, एडमिशन करना है, और वो लास्ट डेट कल है परसों इस तरह का आपको कोई इन्फॉर्मेशन, तब आप अर्जेंटली मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपके कॉल तो मैं अभी थोड़ा रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कॉल एक साथ आ रहे हैं,
ठीक है, तो मुझे जानबूझकर मुझे स्विच ऑफ करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज सर आते हैं, ठीक है, तो मैं जो फोकस मेरा बिगड़ जाता है। अब एक एक बच्चे, हर एक बच्चे का अलग अलग डाउट होता है, रेंज ऑफ डाउट होता है, तो वो सब चीज को मैं अगर डील करूंगा कॉल के थ्रू तो मैं टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे रिसर्च करके आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं या कुछ करूं। इसीलिए आप अभी कॉल मत करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, इवन आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन हमने जो एनसीटी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसको हमने एडमिन ओनली करना पड़ा, बिकॉज बहुत ही बच्चे बहुत कंप्लेन आए उसमें कि बहुत सर इसको एडमिन ओनली कर दो, 50 से ज्यादा बच्चों ने बोला सर इसको एडमिन ओनली कर दो क्योंकि बहुत बच्चे बेकार का मैसेज कर रहे हैं। ऐसे भी कॉम्प्लेन आए कि सर उसको हटा दो, सर उसको हटा दो, तो यही काम बचा है कि आखिर मैं मतलब देखूंगी कौन बच्चा क्या लिख रहा है, कौन बच्चा क्या नहीं लिख रहा है। तो आप थोड़ा समझो, थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो ये सब चीज को, ओके। रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो सब चीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा वेट करो, डेफिनेटली विल मीट। बनी पूछ रहे हैं कि स्टेट कोटा क्या है, स्टेट कोटा कुछ भी नहीं है, नो स्टेट कोटा इन एनसीईटी एग्जाम। आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस थिंग, मैंने ऑलरेडी इस चीज को तो क्लियर कर ही दिया है कि एनसीईटी तुम्हारा नेशनल एग्जाम है, तो यहाँ पे स्टेट कोटा कुछ भी नहीं है। बनी भार्गव, नो स्टेट कोटा, डोंट वरी, ठीक है, दिस इज ए नेशनल लेवल एग्जाम, ओनली कैटेगरी वाइज कोटा है, स्टेट कोटा कुछ भी नहीं है। त्यागवीर कॉलेज एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का फी कितना लगता है मैंने अभी नहीं देखा है, आई विल सी इट एंड डेफिनेटली अपडेट यू, ओके। मैं इसके ऊपर भी आपको अपडेट कर दूंगा, चिंता मत करो उस चीज के ऊपर, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। तो मैं इसके ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा कितना यहाँ पे फी लगता है, सेपरेट वीडियोज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए चिंता मत करो, मैं सेपरेट शॉर्ट वीडियोज बना दूंगा, आपको देखने में ईजी होगा, फिर उसके बाद मैं एक साथ भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ओके। हाँ, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत होना कंपलसरी है क्या, ये चीज़ भी मैं आपको देख के पूरा पीडीएफ देख के बता दूंगा। मैं दो दिन के लिए थोड़ा लाइक कुछ काम से बाहर गया था तो मैं देख नहीं पाया ये सब चीज़, अभी मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। कितने कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए कि हम सेफ जोन में रहेंगे, जितने भी कॉलेज, देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं कौन से कॉलेज में अप्लाई करूं, ठीक है, आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो उन सब कॉलेज में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर फी लग रहा है सारे कॉलेज में, मान के चलो फी लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है कि सारे कॉलेज में, इतने सारे कॉलेज में, हर एक कॉलेज में जो सेपरेट जो है रजिस्ट्रेशन वाला फी देंगे, तो वो उसके हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली आरआई में डेफिनेटली अप्लाई करना, अगर आपका 300 से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बताया, जो मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, इसके पहले जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था, अगर उस रेंज में आपका कट ऑफ आता है तो आप आरआई में अप्लाई करो, आईआईटी के हिसाब से भी अगर आपका मार्क्स, तो आईआईटी में भी अप्लाई करो, उसके बाद जो है आपका बाकी कॉलेजेस के अंदर भी अगर वो कट ऑफ है तो आप कॉलेज के अंदर अप्लाई करो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कितने कॉलेज में अप्लाई करते हो, आप चाहो तो 42 के 42 सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा वहां पे एनसीटी ने खुद बोला है कि आप 42 के 42 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये काउंसलिंग प्रोसेस और कितना दिन लेगा, तो ये काउंसलिंग प्रोसेस मान के चलो एक महीना या एक से डेढ़ महीने का टाइम लग सकता है अलग अलग कॉलेजेस का, ठीक है, कोई पहले स्टार्ट कर देगा, कोई 3 दिन बाद करेगा, 3-4 कॉलेज एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ, मतलब एक एक पर्टिकुलर डेट में। देखो सारे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है, कोई भी 4-5 यूनिवर्सिटी मिल के एक साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, सबका जो है अलग अलग होगा, ठीक है, सबका अलग अलग काउंसलिंग होगा, लेकिन डेट क्लैश कर सकता है, डेट सेम हो सकता है लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सबका अलग अलग होगा, सबके अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेंगे, सबके अलग अलग एडमिशन काउंसलिंग ओरिएंटेशन सबका अलग अलग होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। हॉस्टल आरआई में मिल जाएगा, आरआई का मुझे पता है कि आरआई में हॉस्टल डेफिनेटली मिल जाता है, ठीक है, बाकी आईआईटी और बाकी कॉलेज के बारे में मैं थोड़ा इंक्वायरी करूंगा, जो कॉलेज में वहां पे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त या मेरे जूनियर्स जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं डेफिनेटली जो है ये करूंगा, ठीक है, अभी तो दोस्त तो कोई नहीं, सब पास आउट हो चुके हैं, जूनियर डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, तो दोस्त को पूछने से वो भी बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। आरए के बारे में, आरए अजमेर के बारे में क्या बताएं, आरए अजमेर के बारे में जो कट ऑफ मैंने बताया था, अगर उस कट ऑफ लिस्ट के अंदर आप आते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिलेक्ट होने का चांस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर आपसे ऊपर होंगे तो फिर वो डिपेंड करता है, लेकिन अप्लाई करना, अगर जो रेंज मैंने आपको बताया था, जो कट ऑफ रेंज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उसके हिसाब से है, तो वहाँ पे आप अप्लाई करना। आरए अजमेर में अप्लाई करने के लिए मुझे आईआईटी में अप्लाई किया, मुझे आईआईटी में जाने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, जहां पे भी आपको जाना है वहां पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। त्यागवीर कॉलेज का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने देखा नहीं, एक बार आप लोग देख लेना, मैं उसके ऊपर वीडियो आज शाम को ही, मतलब आज शाम या कल सुबह तक मैं बना दूंगा उसके ऊपर। अप्लाई कर देना ठीक है, अगर इजी है, डिफिकल्ट नहीं है तो अप्लाई कर देना, कहीं पे दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं एक बार देख के बता दूंगा आपको ठीक है। साइंस स्टूडेंट्स बीए बीएड बीकॉम बीएड अप्लाई, बीकॉम नहीं कर सकते, बीकॉम कर एक्चुअली कर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट्स बीए बीकॉम दोनों कर सकते हैं, साइंस स्टूडेंट्स बीए बीएड बीकॉम बीएड दोनों कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जो कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो वो कॉलेज वो डोमेन सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है ठीक है, क्लियर। ओके रियल फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बोले फॉर्म भरे थे, ओके फॉर्म भरे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, फिर एमपीसी का पता होगा, एमपीसी का भी मुझे नहीं पता, एमपीसी में हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है सबको, ये चीज नहीं पता, हॉस्टल सबका होगा लेकिन सारे बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता है वो बताना है ना मुझे, हॉस्टल सारे कॉलेज सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, मेरे हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ठीक है, RIE सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIT में हॉस्टल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लेकिन RIE के बारे में ज्यादा जानता हूँ बिकॉज मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, बाकी कॉलेजेस के बारे में मुझे कुछ बोलने से पहले थोड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, एक वीडियो के थ्रू बताना मुश्किल है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज के थ्रू मैं कोशिश करूंगा डेली थोड़ा बहुत लाइव सुना के आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके डोमेन सब्जेक्ट अगर मैच करते तो डेफिनेटली, देखो क्या है ना इस बार की बहुत सारे बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली होगा, तो क्या सबको निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे ठीक है, पहले जिनका सही है डोमेन सब्जेक्ट उनको डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे, और जिनका उसके बाद जो इतने बच्चे बच गए हैं उनको वहाँ पे डेफिनेटली रखा जाएगा, तो चिंता मत करो ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज ऐसा भी हो सकता है कि एनी3 डोमेन सब्जेक्ट बोल दें, अभी आपने एक दो ही कॉलेज देखा है ना, मतलब IIT NIT को छोड़ के एक दो ही कॉलेज और देखा है जहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो यही गलती तो किया, मतलब NCT ने यही तो हमारे साथ एक्सपायर मतलब धोखा किया कि उन्होंने बोला नहीं कि इस कॉलेज में अगर आप अप्लाई करें तो आप ये डोमेन सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। हाँ फिर भी PCM PCB ये तो एक तरह से डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ, फिर भी NCT को क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि हर एक कॉलेज के नीचे NCT डोमेन सब्जेक्ट ना लिख के उस कॉलेज के हिसाब से, ये थोड़ा टाइम डिले भी करते लेकिन अच्छी तरह से लिख लेते कि अगर आपको यहाँ अप्लाई करना तो PCM चाहिए, यहाँ अप्लाई करना तो CBZ चाहिए, ये चीज़ वहाँ पर रहना चाहिए था। RIE काउंसलिंग का डेट तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी RIE का जो खुद RIC ने जो किया था, RIC के थ्रू जो एग्जाम होता है उसका पहले होगा, फिर उसके बाद आपका NCT का होगा ठीक है, क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि NCT का जल्दी भी हो जाए, डेट आते ही मैं बता दूंगा आपको। नोटिफिकेशन देखो आपको NCT की तरफ में, मुझे नहीं लग रहा है कि NCT की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपको NCT की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, आपको अगर आपने उस कॉलेज में अप्लाई किया है तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको ईमेल आ सकते हैं, लेकिन देखना जो ईमेल आपको आता है दैट मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो रियल होना चाहिए। आजकल बहुत फेक ईमेल्स भी आते हैं जहां पे आपको बोलता है कि आप यहां पे इस लिंक पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, 500 रुपये 1000 रुपये दे दो, वो सब नहीं करना है आपको, पूरा देख लेना है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए ठीक है, जो NCET के अंदर तुम्हारा ठीक है, NCET का आपने फॉर्म फिलअप के टाइम आपको पता होगा ठीक है, फॉर्म फिलअप जो आपने किया था NCET के ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों ने देखा था ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू NCET का ऑफिशियल वेबसाइट आपने देखा था, वहां पे यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, वो 42 यूनिवर्सिटी खाली, उन्हीं 42 यूनिवर्सिटी में ठीक है, उन्हीं 42 यूनिवर्सिटी में से ही आपको मेल आएगा, तो भी आप वो आप बिलीव करना कि वो NCET का है, अगर आपको कोई और मतलब देखो जहां मेल आता है ना, मेल जो आता है वहां पे लिखा होता है कि डॉट दिस कॉलेज, वो CU या फिर RIE है, तो वहां पे लिखा होता है जो भी आपको मेल भेजते हैं वहां पे उनका डेफिनेटली जो है ये लिखा होता है कि कौन किसने भेजा है, तो वो वेरीफाई करना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है। अच्छा IIT में कैसे अप्लाई करें, अभी IIT में जब डेट आएगा तभी अप्लाई कर सकते हो, अभी अगर आ गया है तो कर सकते हो, अभी तो आया नहीं है, डेट आते ही वहां पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके देखो ओके 12th में मैथ्स था लेकिन डोमेन हिस्ट्री पॉलिटी को था, तो क्या BSc बीएड और BA बीएड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि जो जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो कॉलेज कौन कौन सा डोमेन ले रहा है, वो कोर्स कौन कौन सा ले रहा है ठीक है, क्लियर।
देखो मैंने एक वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप 12th वाला सब्जेक्ट की ले लो, ठीक है। आप एनसीटी ने बोला है कि आप एनी 3 ले सकते हो, लेकिन मैंने फिर एक वीडियो बनाया आपको बताया था कि क्योंकि एनसीटी ये बोल रहा है कि अगर कुछ कहीं पे लाइक कॉलेज कुछ अपना क्लेम कर रहा है तो वहाँ पे एनसीटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था सेफ साइड के लिए, सेफ साइड के लिए आप डेफिनेटली अपना 12th के सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। देखो ये तुम्हारा एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तुम्हारा एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जाना है, ये तुम्हारा इस पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जो 42 कॉलेजेस के तुमको लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम्हारे कॉलेजेस हैं इन कॉलेज का, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी काश्मीर, जो भी आपके घर के पास है या फिर जो भी आप, देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशली गर्ल्स, वहाँ पे उनको पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करेंगे बहुत दूर जाके पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत दूर जाके पढ़ने के लिए। यहाँ पे जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम का रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, तो कुछ लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए, तो जो भी आपको सही लगता है आपके हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ रेगुलर बेसिस पे विजिट कर सकते हो। अगर आपको भी कोई अपडेट मिलता है तो आप मुझे जो है डेफिनेटली इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर दूंगा, सिर्फ आपको नहीं सबको गाइड कर दूंगा। तो आप इन सारे कॉलेज के जो यहाँ पे लिस्ट है इनके यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सेंट्रल जो हरियाणा, कोई बच्चा यहाँ पे जाना चाहता है, कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज मिल जाए चले जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अपने कुछ प्रीफर्ड कॉलेज में जाएंगे, नहीं तो कुछ और जो है कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो जो जैसा भी आपका मन है आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे 42 कॉलेजेस है ना एनसीटी के अंदर, वो एनसीटीई अप्रूव्ड ही है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो एनसीटीई के द्वारा ही हो रहा है, समझ रहे हो। ये जो तुम्हारा एनसीटी एग्जाम है ना, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी जो कॉलेजेस को, बीएड कॉलेजेस को अप्रूवल देता है, उसी के थ्रू किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें जितने भी कॉलेजेस है वो सब एनसीटी अप्रूव्ड है, मतलब यहाँ पे पढ़ने से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, यहाँ पे पढ़ने से आपको जो डिग्री मिलेगा दैट इज वैलिड फॉर ऑल गवर्नमेंट टीचर जॉब इंक्लूडिंग इन योर स्टेट, मतलब ऑल इंडिया भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपके स्टेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू इमोर्टल, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 42 कॉलेजेस है, अच्छे से सुनो ये चीज, जो तुम्हारा 42 कॉलेजेस है, इन 42 कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इन योर फ्यूचर करियर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी टीचिंग जॉब कर सकते हो, KVS NVS जो है, ठीक है, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का भी जॉब कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का कर सकते हो, उड़ीसा के हो तो उड़ीसा के अंदर कर सकते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हो। कहने का मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी आप जॉब कर सकते हो इन्हीं 42 कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो, तो टेंशन कुछ भी नहीं लेना है इस चीज में, ठीक है, क्लियर। टेंशन कुछ भी इस चीज में आपको नहीं लेना है, आप इन 42 में से कोई भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ सब सारा इन्फॉर्मेशन बताना मुश्किल है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी किसी भी तरह का काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपको इसी चैनल में डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है, तो यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते हो, कैसे आप किसी कॉलेज में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ कैसे जान सकते हो। जैसे आप, मैंने बोला यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी को पढ़ना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा पे आपको यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे आप कहाँ जाओगे, एकेडमिक सेक्शन में जाओगे, ठीक है, एकेडमिक सेक्शन में जाके, या फिर तुम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं होगा, एकेडमिक सेक्शन में जाओगे, या फिर यहाँ पे जो नीचे जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे अनाउंसमेंट होता रहता है ना, यहाँ पे जो ये तुम्हारे जो अनाउंसमेंट होते रहते हैं या नोटिफिकेशन जो होता है उसको देख सकते हो, ठीक है, उसको देख सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हारा नोटिफिकेशन वगैरह जहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे NSS जो भी यहाँ पे है वो देख सकते हो, यहाँ तुमको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद तुम जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको यहाँ से भी कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे भी नहीं पता चलता, तो आप क्या करोगे, आप जो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ यहाँ पे आप जो है आप ITEP लिख सकते हो, ठीक है, ITEP लिख सकते हो, नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ITEP इस तरह का लिख सकते हो, या फिर NCT लिख सकते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखना, ठीक है, आप डेफिनेटली वहाँ पे देखना कि यहाँ पे कोई, ये जो तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी www.cus.ac.in, ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तुम जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारा वेबसाइट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा नोटिस फॉर क्या ITEP एडमिशन है, तो ये तो तुम्हारा NCT का ही तुम्हारा दिखाएगा,
ठीक है, तुम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर जो वेबसाइट है उसको देख रहे हैं, ये सब तुम्हारा CUH का वेबसाइट ही है, ठीक है, ये सब तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का वेबसाइट है। लेकिन कुछ फेक वेबसाइट भी होते हैं जहाँ पे आप अगर जाते हो तो आपका क्या हो सकता है कि आपका वहाँ पे डेफिनेटली जो है आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलने का चांस है, तो वहाँ पे मत जाना, ठीक है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अंडर ग्रेजुएट जो ITP कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है तुम्हारा एडमिशन रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे उस तरह का एडमिशन कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा यहाँ पे जो सेवेंथ लिस्ट, सिक्स्थ लिस्ट, तुम्हारा फिफ्थ लिस्ट लिखा है, ये तुम्हारा जो CUET के थ्रू हो रहा था वो सब चीज है। देखो यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, इंटीग्रेटेड BSc MSc वो सब चीज है। तो ITP का यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर जो हरियाणा में स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को जाना कहाँ है, किसी को IIT के अंदर जाना है, ठीक है, किसी को मान के चलो किसी को IIT खड़गपुर में जाना है, IIT खड़गपुर में किसी को जाना है, कैसे सर्च कर सकते हो, यहीं पे NCT की वेबसाइट में आके IIT खड़गपुर में आपको टाइप करना है, ठीक है, IIT खड़गपुर में यहाँ पे आपको जो है इसको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे IIT खड़गपुर में जैसे आप इसके वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट क्लिक करना है, ठीक है, विजिट यूनिवर्सिटी इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इनका ये जो वेबसाइट है, इनका ये जो वेबसाइट, इनका जो पहले वेबसाइट था वो है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली इसके आगे जो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है यहाँ पे ITEP टाइप कर देना है, ठीक है। इनका ITEP के लिए सेपरेट वेबसाइट है, बहुत सारे कॉलेजेस में ITEP के लिए अपना सेपरेट वेबसाइट बनाया हुआ है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। आप इंडिविजुअली जिस जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो, एंड जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है आप डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी पता है 7327813135, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो। कॉल थोड़ा मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो है रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ही आपके ऊपर ही जो है आप लोगों के लिए ही जो है काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ITEP ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है, ITEP IIT भुवनेश्वर या ITEP IIT खड़गपुर लिख सकते हो। ये देखो तुम्हारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP IIT BVS.ac.in, ये तुम्हारा IIT भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगा बात करें क्लासेस के लिए, दो मिनट रुक जाओ, क्लासेस के लिए मैं बता दूंगा आपको, जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ITEP का वेबसाइट है, IIT भुवनेश्वर का ITEP वाला सेक्शन का सेपरेट वेबसाइट इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा, अगर कहीं पे कुछ स्टार्ट होता है प्रोग्राम तो इसी वेबसाइट के अंदर तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिमिलरली सबका इस तरह से अलग अलग जो है तुम्हारा होगा। गोविंद सिंह पूछ रहे हैं सर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, तो सिगरेट हो, टीचिंग जॉब, रेस्पेक्टफुल जॉब के साथ बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मतलब क्या क्या होता है, देखो अभी गोविंद बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि कुछ कुछ बच्चे इस चीज का बुरा भी मानते हैं, मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कॉल नहीं रिसीव कर पाते हो तो आप बुरा मानते हो, ठीक है। जिस दिन आप इस स्टेज पे आओगे तभी आपको पता चलेगा कि इतना चैलेंजिंग है, ठीक है। तो और भी मतलब कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे करना है, वो कभी कभी खुद भी हम लोग, मतलब मैं भी खुद कभी कभी मतलब स्ट्रेस में चला जाता हूँ कैसे इतना सारा काम करो, लेकिन अगेन आपको करना ही है मेहनत, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट है, ठीक है। चैलेंजिंग तो है लेकिन रेस्पेक्ट भी है। आज आप इतने सारे बच्चे मुझे लाइव देख पा रहे हो एंड मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को वैल्यू कर रहे हो, बिकॉज चैलेंजिंग है लेकिन मैं इसके ऊपर काम कंटिन्यू कर रहा हूँ 3-4 साल से, ठीक है। इसीलिए जो है आप मतलब अभी मुझे देख रहे हो, तो रेस्पेक्ट तो है, तो मेहनत करने से रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। और आप भी जब टीचर बनोगे तो आपको मेहनत करना है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए भी फी पे करना, हाँ काउंसलिंग के लिए कुछ फी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो कोचिंग के लिए पूछ रहे थे क्लासेस कब से स्टार्ट होगा NCT का, तो 15 सितंबर से हम लोग 15 या 16 सितंबर, ठीक है। जो लोग NCT का कोचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, जो लोग NCT का कोचिंग के बारे में पूछ रहे हैं उनको बता देता हूँ, ठीक है, 15th या 16th of September मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग NCT का कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी RI का कोचिंग स्टार्ट हो चुका है, RI का जो Level 1 इंटीग्रेटेड कोर्सेज का, Level 2 2 ईयर BEd एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, एंड Level 3 का कोचिंग स्टार्ट हो चुका है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है, यू कैन ज्वाइन द कोचिंग।
एट एनसीईटी का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे 15 या 16 सितंबर से। कोर स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आरआई के बारे में बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी, आरआई के बारे में बता देंगे। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। ओके ओके, आरआई के बारे में आपको बताते रहेंगे, चिंता मत करो। ओके, सब कॉलेज के बारे में, आरआई तो मतलब मेरा खुद का कॉलेज है, मतलब मेरा सेकंड होम है आरआई, तो आरआई के बारे में तो डेफिनेटली बताऊंगा। आप मुझे आज आरआई के बारे में ही, मतलब आरआई के वजह से ही जानते हो, ठीक है। मैंने आरआई के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो आप जितने भी आज बच्चे हो सब मुझे आरआई के वजह से ही जानते हो, तो मैं डेफिनेटली आरआई के बारे में तो बताऊंगा, ठीक है। वो मतलब मेरा मतलब आप समझ पाते हो कितना जो है मेरा अटैचमेंट है आरआई के साथ, तो उसके बारे में बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बस आपको रेगुलरली फॉलो करना है, और जो ग्रुप के जो हमारे पेड कोर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, पेड कोर्स ग्रुप के अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो बाकी सब बता देंगे, बाकी सब आपको एक एक करके अपडेट्स देते रहेंगे। जैसे अभी मैं जैसे बोला कि मैं 2-3 दिन थोड़ा बाहर था, तो मैं बहुत सारी चीज़ देख नहीं पाया, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका फोन एंड मैसेजेस देख नहीं पाया। ओके, आपको व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी सारे पर्सनल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 500-600 मैसेज का अगर मैं सबका खाली पर्सनल रिप्लाई करता रहूंगा तो वीडियोज लाइव सेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूँ, पर्सनल रिप्लाई करूँ? आप लोग खुद बताओ, मैं सबका एक एक करके पर्सनल रिप्लाई करूँ या वीडियो बनाऊँ? मतलब खाली पर्सनल रिप्लाई करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आप आज जानते हो कल भूल जाओगे। ठीक है, आज जानते हो मैं क्योंकि वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आज जानते हो कब भूल जाओगे। आज अगर मैं सिर्फ एक बच्चे को हेल्प करूंगा तो बाकी सारे बच्चों का क्या होगा, इसीलिए पर्सनल रिप्लाई का, पर्सनल मैसेजेस का रिप्लाई मैं करने के लिए आपको, मैं बोल सकता हूं मैं 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करने का ट्राई कर सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के अंदर हैं, आप फ्री ग्रुप में हो या पेड कोर्स के ग्रुप में हो, तो वहां भी आप अपना मैसेज रख सकते हो, क्योंकि मेरे अलावा और भी टीचर है। ठीक है, यस, तो मुझे वीडियोज के थ्रू क्लियर करने के लिए मुझे, मतलब आप लोग ये चीज मुझे थोड़ा मतलब समझो, मेरा चैलेंज को समझो, मेरा कितना मतलब दिक्कत हो रहा है ये चीज को समझो। अगर मैं पर्सनली ही रिप्लाई करता रहूंगा तो वीडियो बनाने का शेड्यूल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लेट मी डू माय जॉब टू हेल्प यू लॉट, हेल्प यू मोर। ठीक है, इसीलिए आप लोग जिस भी ग्रुप में हो वहां पे मैसेज कर सकते हो। पर्सनल अगर आप मैसेज करते हो तो मुझे थोड़ा टाइम देना, 24 या 48 आवर, जितने टाइम में मैं आपके मैसेज मेरे सामने आता है। एक और चीज, अगर आपका बहुत अर्जेंट मैसेज है तो आप 2-3 बार मैसेज कर सकते हो। एक बार मैसेज करके ऐसा मत सोचना कि सर ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर मैं कभी भी किसी का मैसेज का नहीं करूँ। हाँ, कब इग्नोर करता हूँ मैं बता दूँ, अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अगर आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया है फिर आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट ए सब्सक्राइबर और यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो। समझ रहे हो ना, कहाँ मैं आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अगर मैंने आपको बताया है कि आपको 250 से 300 के बीच में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका 250 से 300 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट मिल जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया है, फिर स्टिल अगर आप पूछते हो कि सर मेरा 261 है, सर मेरा होगा कि नहीं, सर मेरा 281 सर मेरा होगा कि नहीं, सर मेरा 311 है मेरा होगा कि नहीं, उस केस में मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जिस आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने यूट्यूब के थ्रू आप सबको बता दिया है, वहां पे अगर फिर से मैं वो चीज को पर्सनली आपको एक एक करके रिप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो आने में उतना ही डिले होगा जितना डिले मुझे पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करने में होगा। ठीक है, क्लियर, इसीलिए आप ये चीज को समझो। ठीक है, टू हेल्प मी इन ए लार्ज नंबर, ठीक है, आई नीड टू मेक मोर वीडियोज एंड मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस पब्लिक, ओके, यूट्यूब चैनल, एंड आई एम ऑल्सो रिप्लाइंग ऑल योर डाउट्स इन द ग्रुप्स, मैं ग्रुप्स में भी आपके डाउट्स को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं आपके कमेंट्स को अगर शॉर्ट कमेंट है तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो रिप्लाई ना करके वीडियो में बता देता हूँ। लॉन्ग अगर कोई कमेंट है तो 1-2 बार आप और मैसेज कर देना, ताकि मेरे सामने मेरी नज़र पर वो मैसेज आ जाए। ठीक है, ओके, शुभकर पूछ रहे हैं कि लो फीस कहाँ लगेगा, आरआई में थोड़ा कम फीस लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको कम फीस लगेगा, आईआईटी एनआईटी में आपको सबसे ज़्यादा फीस लगेगा। ठीक है, आईआईटी एनआईटी में सबसे ज़्यादा फीस, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में आपको कम फीस लग सकता है, तो डिपेंड करता है कहाँ कितना फी लग रहा है। अभी तक सब लोगों ने रिलीज नहीं किया, मैं आपको बता दूंगा। आरआई अजमेर का मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्या आएगा, फिर जैसे ही आता है बता दूंगा। देखो, ये चीज़ आपको पूछना नहीं पड़ेगा, इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है मेरिट लिस्ट का, काउंसलिंग प्रोसेस का, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू इन टाइम। मतलब ऐसा नहीं, कहने का मतलब यह है कि आज फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीज हुआ कोई लिस्ट, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ तो आज नहीं वीडियो बना पाऊंगा, तो कल तक बना दूंगा। वीडियो नहीं बना पाता तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में कहीं ना कहीं अपडेट आपको डेफिनेटली कर दूंगा, लेकिन अगर आपका
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आ रहे भुवनेश्वर का लिस्ट आया है, 11th of September को काउंसलिंग है, तो मैं 11th September से बहुत ज्यादा पहले मतलब आज नहीं भी बना पाता तो मैं 1 September को बना देता, 11 दिन का आपको टाइम मिलता, इन टाइम में आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, चिंता मत करो उस चीज के लिए। एडमिशन कैसे किया प्रोसेस हम आगे बात करेंगे, ठीक है क्लियर। तो मैं वन सेकेंड लास्ट में चीज आपको बोलूंगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई ऑल द पर्सनल मैसेजेस, ठीक है, दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ग्रुप के अंदर मैसेज करने का कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर बहुत अर्जेंट मैसेज है तो आप 2-3 बार ट्राई करो जो है मैसेज करने का, जब तक मेरे हाथ में वो चीज ना पड़े, लेकिन आप बुरा मत मानना कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचना। आप जब मेरे जगह पे आओगे तब आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है, ठीक है, सारे बच्चों का, क्योंकि मैंने अपना नंबर दे ही दिया है पब्लिकली, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो तो मेरा एक्चुअली नंबर नहीं है, वो कोचिंग का नंबर है, तो वहाँ पे मेरे पास जब फोन रहता है मैं देख लेता हूँ, जब मेरे पास फोन नहीं रहता है तब मैं नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि हाँ, हमारा वेबसाइट के अंदर भी आप जो है वो डाउट पूछ सकते हो, एंड टेलीग्राम के अंदर भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, ग्रुप जिसमें हो वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ग्रुप में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे नॉलेजेस बन जाओगे, जितना नॉलेज मेरे पास बहुत सारा नॉलेज नहीं है, मैं भी आप ही लोगों से सीखता हूँ, आप लोग जो अपडेट देते हो वहाँ से मुझे पता चलता है, मैं खुद और रिसर्च करता हूँ, आपके डाउट्स के वजह से, आपके रिक्वायरमेंट्स के वजह से ही मैं इतना नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा कर पाया, अगर आप लोग डाउट नहीं पूछते तो मेरे अंदर नॉलेज नहीं आता, ठीक है। तो मैं भी लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ मैं, आप एंड ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, तो जब आप ग्रुप में मैसेज करोगे तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो कोई ना कोई बच्चा आपको रिप्लाई डेफिनेटली कर देगा फॉर योर हेल्प, कोई ना कोई बच्चा डेफिनेटली वहाँ पे रहेगा, कोई ना कोई और टीचर रहेंगे, क्योंकि ग्रुप में और भी टीचर रहते हैं। तो आर आई अजमेर का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके, चिंता मत करो, जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे बस आपको ये चीज़ बताना था कि काउंसलिंग प्रोसेस कुछ कॉलेज से स्टार्ट हो गए, सेपरेट वीडियोज में बनाऊंगा उन चीज़ के ऊपर, एंड लाइव सेशन के थ्रू मैं आपका डाउट डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं अभी पर्सनल मैसेज का रिप्लाई सारा नहीं कर सकता। हाँ, कोई अर्जेंट मैसेज है जो सिर्फ मैं ही दूर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मैसेज आपका है तो मैं कर दूंगा, जो वीडियो में नहीं बता सकता इस तरह का कोई डाउट है तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बता दिया है, जैसे कट ऑफ के बारे में मैं और नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो मैं अगेन नहीं बताऊंगा, ठीक है, टाइम वहां पे जाएगा, ओके। अब ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है वो आज भी वीडियो बना दूं या कल हम लाइव सेशन में डिस्कशन करें, लेकिन वी विल डेफिनेटली डिस्कस, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।